बिस्मिल्लाह। ये बात तो मोटर की भी गिरी लेती है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दुआ करता हूँ आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाजाबाद चौरंगी पे, और कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई थी और जिसमें ये दिखाया गया था कि जहाज़ जो है वो इंडिया की जानिब रवानगी के लिए तैयार है। ये बात मैं मजाकन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है हिरुंचियों ने अड्डा बना लिया था, और इस जगह पर जहाँ पर ये सुराख बंद किए गए हैं इसके अंदर बैठ के नशा करते थे। और वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के जो नाजिम हैं उमेर, उन्होंने इस पर बरवक्त कार्रवाई की और इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो दे के इन सुराखों को जो है जहाज़ के जो बैक साइड के हैं इंजन वाले, इनको बंद कराया गया है। और अब इस तो ये जो है सुराख ये बंद कर दिए गए हैं, और अब यहाँ पर तरक्याती काम यानी चौरंगी को मॉडर्न चौरंगी में बनाने के लिए काम तेज़ी के साथ जारी है। इसके ऊपर नीचे की साइड पर ही आप देख सकते हैं, मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ, ये गोल चौरंगी बनाई जा रही है, लेबर लगी हुई है, काम हो रहा है। सीधा रास्ता जो है बड़ा बोर्ड की तरफ जाएगा, सामने सर सैयद कॉलेज भी है उल्टे हाथ पर, और इस तरफ वुमेन कॉलेज, और ये नाजाबाद चौरंगी है। इसके ऊपर भी काम किया जाना चाहिए, इसकी सफाई वगैरह भी, क्योंकि ये हमारे लिए एक मॉडल है। अब जब इस पर काम तेजी के साथ जारी है चौरंगी को मॉडर्न चौरंगी में तब्दील करने का, तो हिरोंचियों का जो हिसाब किताब था इसके अंदर बैठ के नशा करने का, वो सिस्टम बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर लाइट भी लगा दी गई है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये सामने लाइट भी दिखा दी गई है, बना दी गई है, ये लाइट लगा दी गई, और अब इसको मॉडर्न चौरंगी में तब्दील करने का अमल जारी है। तो बहुत से दोस्त कह रहे थे कि इधर की एक अपडेट दें, यहाँ पर क्या होता रहा, तो होता ये रहा कि ये इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी थी, और ये जो सुराख आप देख रहे हैं जो बंद किए गए हैं ये खुले हुए थे, इसी में नशा करने वाले अफराद अंदर बैठ जाते थे और नशा करते थे। लेकिन यहाँ से ये जितनी भी ग्रीले थी ये तमाम ग्रीले नशा जो करने वाले थे वो निकाल चुके थे। इसी तरीके से सामने का जो ब्रिज है उसकी भी ग्रीले निकाली गई थी, अब उसको मुकम्मल बना दिया गया है। ये देखें यहाँ पर भी ये ग्रीले यहाँ से हिरोंची सब तोड़ फोड़ के निकाल के ले जा चुके हैं, सामने की भी ग्रीले। काम इधर हो रहा है, इंशाल्लाह ताला 10-15 दिन में ये चौरंगी मुकम्मल बना दी जाएगी, नए सिरे से ग्रीले वगैरह लगाई जाएंगी इधर, और कलर वलर होने के बाद टाइले वाइले तो मॉडर्न चौरंगी में इसको तब्दील कर दिया जाएगा। इस छोटी सी चौरंगी को जो कि नाजाबाद चौरंगी के नाम से यहाँ पर मशहूर है, ये नाजाबाद चौरंगी कहलाती है, और मेन चौरंगी की निशानी ये है। अंदर बैठ जाते थे और नशा करते थे। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट नाजाबाद चौरंगी से, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। और जो लोग कह रहे थे कि इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, आप देख सकते हैं इधर ये काम जारी है टाउन नाजिम की तरफ से नाजाबाद के, लेबर लगी हुई है और इधर काम जारी है। तो इधर जैसे ही मॉडर्न चौरंगी बनेगी इसकी एक और अपडेट आपको देंगे। तो इजाज़त चाहते हैं,
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।